सर, इस टाइम जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो रखी है। हर एक कंट्री लॉकडाउन है कोरोना वायरस के इफेक्ट की वजह से। लेकिन आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की नहीं, कोरोना इफेक्ट की, जो कि ट्रांसमिशन लाइन में पाया जाता है, जिसके इफेक्ट से ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी खराब होती है। उसमें जो साइनोसोइडल वेव होती हैं वो चेंज हो जाती हैं इस कोरोना इफेक्ट की वजह से। और कोरोना इफेक्ट को प्रैक्टिकली कैसे देखा जाए, तो आज के इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए। तो यहाँ पे हम जानेंगे कोरोना इफेक्ट क्या होता है, क्यों बनता है, उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोरोना, मतलब कोरोना इफेक्ट बनता कैसे। तो कोरोना इफेक्ट बनता है यूं है, तो जब ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रहता है सो उसके सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर होती है और ट्रांसमिशन लाइन का खुद का एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जो कि जैसे जैसे ट्रांसमिशन लाइन से डिस्टेंस दूर होती जाती है वैसे वैसे उसका जो है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैसे वैसे कम होता जाता है। सो वहाँ पे एयर के एटमॉस्फेयर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे आयोनाइज हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइज हो जाएंगे सो ऐसा तो होता नहीं है, ट्रांसमिशन लाइन सिंगल वायर होता है, वहाँ पे बहुत सारे वायर होते हैं। सो हर एक ट्रांसमिशन लाइन अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे। अब वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे तो एक दूसरे ट्रांसमिशन लाइन के जो बीच में गैप है उसमें वो आर्क जनरेट करेंगे, जिसको बोलते हैं टैनी इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर इसी को बोलते हैं कोरोना इफेक्ट। जैसे कि मैंने मान लिया मेरे पास ये दो ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, ट्रांसमिशन टावर से होके जा रही हैं, सो क्या होगा कि इसके जो आसपास का एरिया है वो इलेक्ट्रिक चार्ज्ड होगा, सो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जिसकी वजह से जो इसके सराउंडिंग में एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी। सो इन दोनों के बीच में जितनी भी एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी, उसके बाद इन दोनों के बीच में एक आर्क जनरेट होगा जिसकी वजह से कोरोना इफेक्ट या फिर टैनी इफेक्ट जनरेट होता है। सो अब फैक्टर जान लेते हैं कि किन किन फैक्टर्स की वजह से कोरोना इफेक्ट बन सकता है। सो कोरोना इफेक्ट बनने के लिए सबसे पहली चीज़ वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। अब जो हिल्स एरिया है वहाँ पे ये इफेक्ट कम पाया जाएगा एंड कम्पेयर टू नॉर्मल प्लेस। दूसरी चीज़ क्या है, कंडक्टर शेप। अब कंडक्टर शेप क्या होता है, कंडक्टर शेप से क्या फ़र्क पड़ता है, तो कंडक्टर शेप से फ़र्क पड़ता है, अगर कंडक्टर शेप स्मूथ है एकदम तो उस पर कोरोना इफेक्ट कम बनेगा, लेकिन अगर वो कट कट में है जैसे कि हमारा वायर होता है सो उस तरीके से तो इसमें कोरोना इफेक्ट ज़्यादा बनेगा। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि जो ट्रांसफार्मर का रेडिएटर होता है, सो रेडिएटर अगर एक ही पूरा बना दिया जाए जिसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑयल जाएगा सो वहाँ पे ज़्यादा एयर का फ्लो नहीं होगा तो उस ऑयल को ठंडा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए क्या करते हैं ट्रांसफार्मर में रेडिएटर बहुत पतली पतली स्लाइड होती है जिसमें ज़्यादा एयर फ्लो होती है जिससे जल्दी कूलिंग होती है। सो इस वजह से जो कट वाली ट्रांसमिशन लाइन होती है जिसमें बहुत सारे वायर एक साथ रोल्ड होते हैं उसमें जो है बीच बीच में कट्स होता है सो उनके बीच में कुछ कुछ एयर गैप होता है, उस वजह से भी इलेक्ट्रिक चार्ज एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो कोरोना इफेक्ट जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था ये पाया जाता है 33 kV से ऊपर के जितने भी वोल्टेज लाइन होती है उन सब में पाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कोरोना इफेक्ट के डिसएडवांटेज की, यानी कि उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सो उससे क्या होगा, एक आर्क जनरेट होगी जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। दूसरी चीज़, स्पार्क जनरेट होने से एनर्जी का लॉस होता है जो कन्वर्ट हो जाती है हीट यानी कि ऊष्मा में। सो जब ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट प्रेजेंट होता है सो वो जो है ओजोन गैस का फॉर्मेशन करता है, यानी ओजोन गैस को बनाता है जिससे ट्रांसमिशन लाइन में जो कोरोजन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन में कोरोजन आ जाता है। जैसे एल्युमिनियम के बर्तन पे कोरोजन वगैरह आ जाता है काफ़ी टाइम बाद, वो चीज़ जल्दी होने लगती है इफेक्ट टू कोरोना। तो कोरोना इफेक्ट की वजह से ट्रांसमिशन लाइन की जो वेव फॉर्म होती है वो चेंज होने लगती है, जिसकी वजह से नुकसान काफ़ी हो सकता है। तो अब बात करेंगे कोरोना इफेक्ट को कम कैसे किया जाए। तो भैया कोरोना इफेक्ट को कम करने के लिए सबसे पहली चीज़, ट्रांसमिशन लाइन के बीच का डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए जिससे कि चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास पहुंचने से पहले धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा सो जिसकी वजह से कोरोना इफेक्ट कम होगा। और या तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्रांसमिशन लाइन का थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए जिसकी वजह से भी ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट नहीं देखने को मिले। सो ये थी कोरोना इफेक्ट पे कुछ बातें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए।